बलात्कार ते कतल दे दोषी गुरमीत राम रहीम दी पैरोल दा लगातार विरोध किया जा रहा है। हुण पंजाब दे सबका वित्त मंत्री अते संयुक्त अकाली दल दे सीनियर लीडर परमिंदर सिंह ढींसा ने भी डेरा मुखी दी पैरोल तुरंत रद्द करन दी मंग की है। ढींसा ने कहा कि डेरा मुखी दीआं गतिविधियां माहौल खराब करन वालियां ने। एक दिन पहला पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने ऐलान किया सी, दावा किया सी कि पंजाब दे विच डेरा सिरसा दा कोई भी नवा डेरा नहीं खुलेगा, पर दूसरे दिन ही आम आदमी पार्टी दी ही सरकार दे एक मंत्री दी तस्वीर साध दे सत्संग दे विचों सामने आई है। यह दावा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे एडवोकेट एच सी अरोड़ा ने किया है। उही एच सी अरोड़ा जिन्होंने कल डेरा मुखी दी पैरोल दे खिलाफ हरियाणा दे मुख सकत्तर नूं नोटिस भी भेजा है। कल देर रात एडवोकेट एच सी अरोड़ा ने फेसबुक ते पोस्ट पा के दावा किया कि फौजा सिंह सरारी जिहड़े पंजाब दे कैबिनेट मंत्री ने जिहड़े भ्रिष्टाचार दे कथित इल्जामां दे विच भी फसे हुए ने, ओह डेरा सिरसा दे नाम चर्चा घर दे विच नतमस्तक होए ने। कहिंदे संयोग वस अज ही मैं राम रहीम दी पैरोल रद्द करन वास्ते नोटिस घल्लिया सी, इहनू कहिंदे ने कुदरत दा जवाब। कुदरत कहिंदी अरोड़ा बेसमझ है। ते एडवोकेट एच सी अरोड़ा दे इस दावे दी पुष्टि ये तस्वीर भी करदी है जिस विच फौजा सिंह सरारी नूं सन्मानित किया जा रहा है। तो पिछे जिहड़ा पोस्टर लग्या है वह दस रहा है कि राम रहीम दी सत्संग दा ही ये कोई प्रोग्राम है जिस दे विच धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा ते होर अजिहा कुछ लिखिया होया। सो इत्थे आम आदमी पार्टी दा दोगला चेहरा भी सामने आ रहा है। एक पासे स्पीकर कुलतार सिंह संधवा तां विरोध कर रहे ने ते दूसरे पासे एक कैबिनेट मंत्री इस दे प्रोग्राम दे विच हाजरी भर रहे ने। उधर दिल्ली महिला कमिशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल लगातार राम रहीम की पैरोल के खिलाफ डटी हुई है ते हुण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी दे विच राम रहीम की पैरोल रद्द करके उसनू मुड़ जेल भेजन की मांग की गई है। नाल ही बिलकिस बानो के दोषियों भी मुड़ जेल भेजन की मांग स्वाति मालीवाल ने की है। मालीवाल ने प्रधानमंत्री तो सज़ा माफ़ी और पैरोल नियमों के तब्दीली की मांग भी की है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि देश की हर निर्भया का हौसला इस कार्रवाई के नाल टुटिया है। इस तो पहला स्वाति मालीवाल इस मसले के उत्ते राम रहीम पैरोल दिते जाने के मसले के उत्ते हरियाणा की सरकार ने भी बड़े तिखे सवाल पूछ चुकी है, जिसके जवाब के हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह कहिंदिया पल्ला झाड़ दिता सी कि मेरी सरकार ने कुछ नहीं किया, जेल प्रशासन ने नियमों मुताबिक ही किया है। इसी तरह चंडीगढ़ के प्रसिद्ध वकील एच सी अरोड़ा ने भी हरियाणा के मुख सकत्तर नूं नोटिस भेज के डेरा सिरसा के मुखी राम रहीम की पैरोल तुरंत रद्द करन दी मंग कीती है। अरोड़ा ने कहा कि राम रहीम नूं जबर जनाह ते कतल के केस विच दोषी ठहराया गया है, फिर भी उस नूं 40 दिनां दी पैरोल सरकार ने दे दित्ती है ते उह यूपी दे विच रुकिया होया ऑनलाइन सत्संग भी कर रहा है। सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी ते विरोधी पार्टियां दे लीडर उस तों आशीर्वाद भी लै रहे ने ते उहनां उत्ते उहने अपना नवां गीत साडी नित दिवाली भी जारी कीता है। नोटिस दे विच कहा गया कि सरकार ने उहदा गाना यूट्यूब तो हटवाउण दे लई कोई कदम नहीं चुकिया। वकील ने मंग कीती है राम रहीम जिहड़ा एक दोषी है, बलात्कार दा दोषी है, कतल दा दोषी है, उसकी पैरोल तुरंत रद्द कीती जानी चाहीदी है। उहदा गाना यूट्यूब तो हटाया जाना चाहीदा है क्योंकि एक जबर जनाह ते कतल दे अपराधी नूं प्रसिद्धी खट्टण दी आग्या कानून नहीं दिंदा। हवारा कमेटी ने दोष लाया कि बीजेपी ते आम आदमी पार्टी हिंदू राष्ट्र बनाउण दे मुद्दे ते दोवें आपस दे विच मिलियां होईयां ने। दोवें भाईवाल ने आम आदमी पार्टी दे सुप्रीमो ते दिल्ली दे मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल दे वल्लों भारतीय करंसी उत्ते लक्ष्मी अते गणेश दीआं तस्वीरां लाउण दी वकालत बारे हवारा कमेटी दे लीडर प्रोफेसर बलजिंदर सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी का हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लागू करन दे विच सहायक वजो भूमिका निभा रही है। बंदी सिंघां दी रिहाई दे मुद्दे ते भी कहिंदे घट गिणतियां खास तौर ते सिखां दे प्रति भी केजरीवाल ते मोदी दी इक्को ही सोच है। हवारा कमेटी ने करंसी वाले नवें नोटां दे उत्ते देवी देवतियां दीआं तस्वीरां लाउण दी मंग करन वाले अरविंद केजरीवाल दे बयान दी हमायत करन वाले कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निज्जर दी भी सख्त शब्दां विच निखेधी करदिआं कहा कि चीफ खालसा दीवान दे प्रधान होण दे नाते निज्जर वल्लों यह बयान सिख सिधांत अते दीवान दे संविधान दे उल्ट है, इसलिए उन्हां नूं दीवान दा प्रधान बने रहण दा कोई हक नहीं है। उन्हें डॉक्टर निज्जर नूं सवाल भी किया है कि की कदे डॉक्टर निज्जर ने केजरीवाल नूं जगतार सिंह हवारा नूं तिहाड़ जेल चो पंजाब च तब्दील करन ते प्रोफेसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई बारे कदे भी जोर पा के गल की है।